Well, I'm Sanjeev. And I'm Darshan. And we both are music composers. As well as we are son of Shravanji. Everybody knows Nadeem Shravan. Nadeem Shravan, the most happening duo, the most versatile, the most legendary music composers. हम उन्हीं music, legendary music composers के बेटे हैं, श्रवण जी के बेटे संजीव एंड दर्शन. Actually, belonging to the Rathod family. So, Pandit Chatrabhuj Rathod, जो हमारे grandfather थे, he's no more right now, but he was one of the most legendary Drupad Dhamar singer in classical form. Drupad Dhamar is one of the most difficult classical form of singing, जिसे हम मानते हैं. He was a classical teacher also. He has taught big music directors like Kalyanji, Anandji, Vijuji, and obviously my dad. And I would like to add that the great singer Roop Kumar Rathod is our real uncle, dad's younger brother. Vinod Rathod ji, who is a very popular playback singer, hai. Sonali auntie hamari, she is also a fantastic singer. So I think we have grown up listening to these legends. Bachpan to bahut hi beautiful raha. खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था हमारा. क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था शुरू से. और दर्शन लेफ्टी है, मैं राइटी हूँ. तो आपस में हमारी बड़ी कंपटीशन भी होती थी. ये मुझे आउट करते थे तो फिर मैं भी फिर इनसे जो है बड़ा ही आई शो यू नाउ, यू नो, मेरा भी गेम दिखाता हूँ. एंड इस तरह से साथ में बहुत खेले कूदे, जस्ट लाइक फ्रेंड्स मोर देन ब्रदर्स. हम एक दूसरे को हमेशा एज अ फ्रेंड रहे हैं, शेयर करते थे हर एक चीज, एक बात एक दूसरे से. और द बेस्ट पार्ट वॉज दोनों का पैशन एक ही था शुरू से, कि यू नो जो करते थे साथ में करते थे, मिलके करते थे, खेलते कूदते सब कुछ. तो म्यूजिक भी जब हमने लिया तो दोनों ने इसी तरह से लिया कि यार लेट्स डू समथिंग टुगेदर. और स्पेशल इंस्पिरेशन थे हमारे डैड, जिनका म्यूजिक जब आया मार्केट में. और उस वक्त हम बहुत छोटे थे तो हमें पता नहीं होता था कि म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है. बट जब हमें पता चला कि म्यूजिक डायरेक्टर क्या, कितनी बड़ी, कितना बड़ा नाम है और उसकी कितनी बड़ी इज्जत है, उसका कितना बड़ा सम्मान है, तब हमें भी लगा कि यार वी शुड ऑल्सो डू समथिंग, यू नो, फॉर आवर सेल्फ. हमें भी कुछ बनना चाहिए, अपने डैड की तरह कुछ नाम वर्ल्ड में नाम करना चाहिए. एक्चुअली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग म्यूजिक सीख रहे थे. वी वर गेटिंग ट्रेन्ड इन वोकल्स, वी वर गेटिंग ट्रेन्ड इन लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स, वी वर गेटिंग ट्रेन्ड इन लर्निंग रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो. और कुछ फिक्स नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर बनना है और डुओ बनना है. द फील्ड वॉज ओपन, वी जस्ट वॉन्टेड टू बी म्यूजिशियंस, कि किसी तरह से म्यूजिक में ही हम लोग आगे बढ़े. शायद लिटिल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स डायरेक्शन. आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज. और मुझे याद है मैं जब छोटा था तो अगला सीन क्या होने वाला है, मैं जब बोलता था तो सब बोलते थे देखो देखो ये तो डायरेक्टर बनेगा. सो प्रोबेबली द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड द डायरेक्टर मेड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. दैट्स प्रोबेबली हाउ इट हैपेंड. ऑल दैट क्रेडिट गोज टू श्रवण जी. And a lot of it also goes to our producer-director Indra Kumar and Ashok Thakkaraya ji. Because kya hua ki when we were, I think, Sanjeev was 17, I was 16. We had just finished our 10th standard schooling and we were in college. So hua ye tha ki music mein kuch karna hai, music mein kuch karna hai. So we used to share the same bedroom. So hum log kya karte the, raat mein we used to masti mein hum log kuch gaane banana start hua. Suddenly it started ki yaar just listen to this. Sanjeev came up to me and he like just listen to this, how is this sounding. And we used to also write some dummy lyrics over there. So suddenly one day we made a song. Aur tab dad se bada dar lagta tha, you know, we were like those college young kids. To humne pehle mummy ko jaake sunaya ki mom listen to this, ye kaisa lag raha hai. Mom said it is sounding nice, zara ek bar papa ko sunao. Dad came home late in the night around 1:32 from his recordings. So hum log ne dad ko bola ki dad kuch ek gana banaya, जरा सुनो हाउ इट इज. ही हर्ड एंड आई थिंक मन ही मन में उन्होंने ये सोचा कि यार दे आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन म्यूजिक. एंड आई थिंक दैट वाज द डे व्हेन दैट स्पार्क इग्नाइटेड हमारे अंदर, जिसमें हम लोगों ने एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, 12-15 करीब 20-25 गाने हमने तैयार कर दिए. जब हमने 20-25 गाने तैयार किए और डैड से एक अप्रूवल मिलता रहता था एवरी सॉन्ग में. ही नेवर क्रिटिसाइज्ड अस, ही नेवर टोल्ड अस कि नो नो दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड. ही यूज्ड टू बी लाइक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाओ. ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू अ फ्यू ऑफ हिज कलीग्स, हिज फ्रेंड्स, के यार ये दोनों बच्चे कुछ कंपोज कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ द न्यूज रीच्ड मिस्टर इंद्र कुमार, जो डैड के बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी थे.
तो इंद्र कुमार के पास ये न्यूज पहुंची और उन्होंने हमसे कहा कि गाइज एक दिन डैड को कहा कि मैं आके मिलना चाहूंगा संजीव दर्शन से. सो वी वर वेरी एक्साइटेड, इंद्र इंदु जी हमसे मिलने आ रहे हैं. सो दैट डे ही केम अराउंड 6:37, यंग किड्स, एंड ही सेड कुछ सुनाओ यार, कुछ सुनाओ. एंड आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग सिटिंग ऐसे करते थे कि संजीव गाना गाता था और मैं मुंह से रिदम बोलता था, दिक चिकता चिक दिक चिकता चिक दिक चिकता, समथिंग लाइक दैट, यू नो. सो हमने कुछ सुनाए गाने एंड इंदु जी गॉट वेरी इंप्रेस्ड. ही डिड नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम. कपल ऑफ डेज डाउन द लाइन ही सेड, गाइज आई वांट टू मीट यू अगेन, लेट्स कैच अप, वी एक्सचेंज नंबर्स ऑल्सो. देन ये सिलसिला शुरू हुआ कि इंदु जी बार बार हमारे साथ आने लगे और हमारे साथ एवरी इवनिंग वी स्टार्टेड सिटिंग एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग सम सॉन्ग. ही यूज्ड टू गाइड अस इन अ सर्टेन डायरेक्शन कि यार इस रोमांटिक गाने को कुछ इस तरह से बनाओ कि अभी अभी प्यार हुआ है तो व्हाट विल द हीरो से, व्हाट विल द, देन ही यूज्ड टू ऐड लिरिक्स, द करेक्ट लिरिक्स जो होने चाहिए. दैट्स हाउ वी क्रिएटेड अराउंड 20-25 सॉन्ग्स. एंड देन वन डे सडनली ही केम एंड गेव अस अ गुड न्यूज दैट गाइज आप लोग मेरी नेक्स्ट फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स हो. And the film is starring Aamir Khan and Manisha Koirala. I mean, that was the day when we said, oh my God, you know, ki hamari entry in music industry, in the film industry as music directors is happening with Mr. Indra Kumar, Ashok Takeria ji, and Aamir Khan and Manisha Koirala ji. And Indra Kumar ji, at that time, I would say he was one of the top director line, you know, Subhash Ghai, Yash Raj, and Indra Kumar. Ye naam aise hote the ki, matlab, I think it was one of the biggest film being made in that year. Anybody, you know. And Aamir Khan, us waqt Aamir Khan, matlab number one actor. And Manisha Koirala again. So I would say ki we I think it's a blessing. It's a blessing from all our elders and our viewers and everything that, you know, we got that opportunity to come in directly with such a big project. There are various factors. कभी कभी बहुत अच्छे lyrics आते हैं. कभी कभी हम टहलते टहलते कोई धुन आ जाती है. कभी कभी you know कुछ सुनते सुनते ही कुछ पकड़ लेते हैं यार, कुछ नोट्स अच्छे लग रहे हैं यार, लेट्स कैच ऑन दिस एंड यू नो लेट्स क्रिएट आवर ओन थिंग्स. ऐसे इंस्पिरेशन होती है हमेशा, यू नो. आई थिंक एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज देयर वाज अ टाइम जब हम लोग यही सोचते थे कि लेट अस सर्च फॉर एन इंस्पिरेशन, सर्च फॉर एन इंस्पिरेशन. बट सही मायने में अगर कहें तो ऑल योर इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर हेड. You know, you might not even need a quiet room. Or जैसे लोग कहते हैं यार चलो कहीं चलते हैं वादियों में जाएंगे तो अच्छी inspiration आएगी. I think all that is just made up things. I think if you sit, concentrate, and you know जिसे कहेंगे meditate in a certain way, automatically एक correct situation पे क्या लाइनें होनी चाहिए. Also your life experience is so important, and slowly you mature in your life and you've seen the world. The ups and the downs of the world. You've seen, you know so many people. So there are so many different romantic stories. There are so many sad stories. There are so many happy moments. So from those moments and from those experiences, I think we create and we come up with these kind of different songs. I think that is where Sanjeev Darshan, I would say, are a bit different. That we don't believe in any genre. We believe in our music. Especially our music. The thing is today, everyone has, you know, people say कि अरे यार उनका इस तरह का गाना ही. नदीम शरण थे तो यार इंडियन बहुत अच्छा करते थे, रहमान है तो मॉडर्न बहुत अच्छा करते हैं. संजीव दर्शन के लिए ये कभी ऐसा कोई नहीं कह सकता, बिकॉज गॉड इज काइंड कि हमने अपने अपने स्टाइल में, अपने यूनिक स्टाइल में हमेशा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे गाने बनाए. एक्चुअली राइट फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म ओनली अगर आप नोटिस करें, अगर मन के गाने ले, मन हैड ऑल डिफरेंट जॉनर्स. तो कितने जॉनर्स हैं उसमें? फ्रॉम मेरा मन, व्हिच वाज एन आउट एंड आउट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग, टू चाह है तुझको चाहूंगा, एंड देन देयर वाज काली नगिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली. सो वी वर डूइंग मन, दीवाने, हमारा दिल आपके पास है, मोर टुवर्ड्स द रोमांटिक जॉनर. Then suddenly style came out. Yeah. And for style, we molded ourselves completely into youth, youngsters, happy kind of songs. Yeah. Even right now, if you notice, we have done Grand Masti. The title track was done by us. Grand Masti, pa 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 pa. The next song that came in the market was Kaanch ki neend aayi, patthar ke khwab laayi. कांच की नींद आई, पत्थर के ख्वाब लाई, जाने रब जाने कब जख्मों से मिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना.
So that versatility is probably our USP, and that's why it's not that one genre of music director producers come and approach us. I think everybody in this industry says that yes, when we go to Sanjeev Darshan, we'll get whatever we want. Not only the lyrics, I would say even today, people, it's become a very fast world, in short, I would say. Har cheez jo hai, aap dekhte hai ki aapke paas pehle samay kam hota tha, but quality of work pe bahut dhyan diya jata tha. Aajkal ye ho gaya hai ki it's a very fast world, computer world aa gaya hai, internet aa gaya hai. You have so much to, you know, matlab offer aapko itni cheeze mil ho jati hai ki people are, ye bhi mil raha hai, ye bhi mil raha hai, ye bhi mil raha hai, ye bhi mil raha hai. To itni jab aapke paas variety hai, वहां ठहराव नहीं है कहीं भी. सो इसीलिए थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा अच्छा है, तो हम बहुत ज्यादा भागते नहीं है कि हमें सब काम मिल जाए लाइफ में. हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी काम करें, चाहे हमारे दो गाने आए, चार ही गाए, लेकिन जब वो आए तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बने म्यूजिक के लिए. बिकॉज आज म्यूजिक ही मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को कैटर करती है. और ये एक माध्यम भी है जहां यंग और यूथ जो है वो इंस्पायर हो और उन्हें भी लगे कि यार ठहराव जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ भागने और दौड़ने से सब कुछ हासिल नहीं होता. टुडेज जनरेशन की स्पीच, उनका जो डायलेक्ट है, उनके जो प्रोनाउंसिएशंस है, वो इतने बदल गए हैं कि पहले के जमाने में प्यार कहते थे, अब वो प्यार हो गया है. सो दैट डिफरेंस ऑफ प्यार और प्यार. सो व्हाट हैपेंस इज we have to mold ourselves accordingly. Ki jaise dil, sanam, janam, ye words ab kam hote ja rahe. So when we work with our lyric writers, we make sure that there is something new written over there. Kuch naye types ke lyrics ho, kuch aaj ke youth ko jo cater kare, the kind of lines that they speak. Abhi to party shuru hui hai, that's the kind of attitude and that's the kind of things that these youngsters they like. So we work on that. At the same time, if there is a certain situation जहाँ पर उर्दू का इस्तेमाल करना है, जहाँ पर कोई beautiful words करने हैं, then we also get into that. अगर कोई intense emotion वाला कोई scene है, जिसमें एक बहुत ही beautiful गजल नुमा गाना चाहिए, then we would love to, you know, love to cater to that audience we love to explore. देखिए हम तो चाहते हैं कि हम, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना music है और अब वर्ल्ड वाइड म्यूजिक हम सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट. तो जो फ्यूजन बनेगा, जो नयापन आएगा और जो क्रिएटिविटी का जो स्कोप है वो बहुत है. एंड गॉड इज काइंड के हम लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं कि हम हमेशा अपनी ऑडियंस को कुछ डिफरेंट करके दिखाएं, जो जिसमें डिफरेंट भी हो लेकिन कमर्शियल भी हो, यू नो, जो लोगों को पसंद भी आए और वो लॉन्ग टर्म हो, ऐसा कोशिश करते हैं. या एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां कि अब ऐसे गाने भी होने चाहिए यार. अगर डांस नंबर बनाया है तो ये ऐसे डांस नंबर और बनाओ, यू नो. तो ये अभी जैसे ग्रैंड मस्ती टाइटल ट्रैक जब बना हमारा, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे फिल्म थी. सेक्सुअल कॉमेडी का जॉनर कभी सुना नहीं था. तो जब हमें मौका मिला तो हमें भी लगा यार ये कुछ यूनिक सा है यार, अब इसमें हम कैसे जुड़े, यू नो. वी हैव डन सो मच ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, मन से लोग हमें जानते हैं, तो हम ग्रैंड मस्ती में कैसे जुड़ेंगे. But that was another challenge for us, कि अब हमें ग्रैंड मस्ती के लिए गाना बनाना. And it was a very difficult situation. Everybody has seen ग्रैंड मस्ती. उस situation में जो है वो गाना ऐसा है कि जहां पे एक सूप ऑफ बोल में वाइग्रास गिर गए हैं. अब वो सारा का सारा कॉलेज जो है वो वाइग्रा के साथ सूप पी गया है और वहां गाना चाहिए. तो मैंने और दर्शन ने सोचा कि यार जब वाइग्रा गिर गए तो सब लोग इतने एक्साइटेड होंगे, वो कहाँ गाना गाएंगे यार, हु इज इंटरेस्टेड. लेकिन नहीं, यही चैलेंज था कि यहाँ गाना ना चाहिए और सुपर हिट गाना चाहिए, कैसे होगा. सो दैट वाज द चैलेंज एंड वी केम अप विद द सॉन्ग, यू नो, देयर इज अ रॉकेट इन माय पॉकेट, ओ बेबी कम एंड लॉन्च इट सो वी कैन फ्लाई अवे नाउ, गेट इन द रूम एंड लॉक इट, प्यार का सिग्नल दे दे बेबी, रात के बज गए 12, इंजन दिल का धड़क रहा है, हाय हो गया पारा, चुम्मा तेरे गालों का, फेवरेट है दिल वालों का, सो लेट्स डू इट बेबी, टू ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती, पा 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 पा, ग्रैंड मस्ती, पा 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 पा. सो वो एक बेंचमार्क बन गया अपने आप में कि अब ऐसी फिल्मों में भी गाना आ सकता और सुपर हिट गाना सकता है और डांस नंबर भी बन सकता है. सो दिस इज आई वुड से कि वी आर ट्राइंग कि हम किस तरह से अपने ऑडियंस को एंटरटेन करें जब एंटरटेन करने का वक्त है.
रुलाए जब रुलाने का वक्त आए, हंसाए जब हंसाने का वक्त आए,